वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंद समन्वितम श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नितानंद सहोदितम श्री नंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समयुक्त बिंदावनम मनोहर वाशाकलपतरुवश कृपा सिंधु विवच पतिदान पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्किपातमहंग वंदे परमानंद माधव वृंदावई तुलसीदेव वै पिया वै केशव सच कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्वत्वी नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चैव नरोत्तम देवी सरस्वती वैसम ततो जयो मुदीर संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी पात्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण धैयम सदा परिभवग्नम अभिष्टदोहम तेथास्पदम शिव विरिंचनुतम शरण्यम भीतात्तिहम पुनुतपाल भवद्दीपूतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम यत्पादपल्लवनखचंदमणिच्छटाया विस्फुरीजित कमलपिगमपदुष्वदर्शि पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदतु संकीर्तनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारौ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदतु संकीर्तनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारौ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजम् सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारं
Varanasipurapati Bhajavishwanatham Vagishajushvabhadane Lakshmir jasacha vakshasi Yasyasthi de sambhir Vam nishingamaham bhaje Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Jashyang Vaisriyamanayam Krishne Paramapurushe Bhakti Rudpadati Pungsam Shokomoho Bhayapaha Jashyang Vaisriyamanayam Krishne Paramapurushe Bhakti Rudpadati Pungsam Shokomoho Bhayapaha Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Paramahansa Jagat Guruji ne batayi किसने तरो विषय संग्रह करना बद्ध जीवों का एक मूल व्याधि है। गौरी गोष्ठीपति सिसिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए कृष्ण तरो विषय संग्रह करना बद्ध जीवों का एक मूल व्याधि है। कृष्ण तरो विषय मतलब जिन चीजों का साथ हम कृष्ण सेवा का कोई संबंध नहीं जोड़ सका, इसका नाम है कृष्ण तर विषय। और खुलासा किया जाए तो कृष्ण तर विषय वो विषय है जो मेरा अपना इंद्रिय तर्पण के लिए, मेरा सुख सुविधा के लिए है, मेरा अपना इंद्रिय तर्पण के लिए है, इसका नाम है कृष्ण तर विषय। कृष्णो इतरो विषय बद्ध जीवों का यही स्वभाव है। कौवा का मापिक कौवा जैसा जहाँ जो कुछ मिले सब लेके अपना कचरा भरता है, अपना घर को भरता है, जहाँ जो कुछ मिले सब आचड़ा कचरा लेके अपना घर को पूरा करता है। ऐसा ही बद्ध जीवों का स्वभाव है। तरह तरह का एन्जॉयमेंट का, इंद्रिय तर्पण का विषय का संग्रह करके अपना जिंदगी का मस्ती लेना, यही स्वभाव है। कौवा बहुत परिश्रम करके एक स्ट्रॉ खर का टुकड़ा, ये वो एक काठी, जहाँ जहाँ से कुछ मिलता है सब आके अपना घर को पूरा करता है। और कोयल, कोयल जो है, कोयल अपना धुन से पेड़ों में बैठकर गाना गाता है। कोयल पंचम तान से, सुर से, और अपना घर के लिए कोई परिश्रम नहीं करते। आम का मुकुल फूल जो है वो भोजन करके और आनंद से झूम पड़ता है। इसका जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। और अगर बच्चा पैदा करना है तो एक कौवा का घर में जाकर बच्चा पैदा करके आ जाता। बच्चा मतलब डीम। और कौवा सोचता है कि मेरा ही है बच्चा, पैदा होने के बाद कौवा जैसा ही है काला, वो अपना भोजन पानी कराता है बच्चा को। ऐसा करते करते जब उड़ने का ताकत हो जाता तो भाग जाता है। शुद्ध भक्तगण, प्रभुपाद कह रहे हैं, शुद्ध भक्तगण ऐसा कोयल का मापिक, जड़ो कर्मी ज्ञानी वैज्ञानिक और दुनिया का जितना सारे आदमी माया का चक्कर में तरह तरह का चीज
करने में व्यस्त रहता है। ये लोग तो भगवान का सेवा के लिए नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी भक्त लोग क्या करता है, ये तमाम ये कर्मी वैज्ञानिक जो भी है, ये सबों इन सबों का जो प्रयास प्रचेष्टा जो है, सारे जो चीज है सारे भगवान का सेवा में लगा देते। जैसे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिकल फैन, जाने का ट्रेन, मोटर कार, सब कुछ है, स्टीमर, टेलीफोन, टेलीग्राफ, एरोप्लेन, जो लिथोग्राफ, सब कुछ भगवान का सेवा में ये लोग लगा देता है। भगवान का सेवा में लगा के ये लोग भगवान का सेवा में लगा के ये लोगों का जो परिश्रम इसको सफल कर देता है। लेकिन ये लोग ईर्षा करके बोलता है, अरे ये लोग कुछ नहीं करता, ये सब हमारा चीज लगा देता है। ये ऐसा बोलना उचित नहीं है, क्योंकि भक्त लोग भगवान का इंद्रिय तर्पण के लिए, भगवान का सेवा के लिए तमाम जितना सारे चीज जगत में मिलता है भगवान का सेवा के लिए वो लोग लगा देता है। इसमें हिंसा ईर्षा करने का कोई रास्ता है नहीं, अगर करे तो गलती है, उचित नहीं है। जो भी है, आदमी का अंदर में जो प्रतिष्ठा लेने का वासना है, यहां तक कि भजन में आने का बाद भी, भजन में आने का बाद भी प्रतिष्ठा लेने का इतना चाहत रहता है कि बहुत शिष्य बनाओ, बहुत सारे मठ मंदिर बनाओ, धमाका कर दो, दिखा दो कि क्या मैं कौन हूं ऐसा। लेकिन भक्ति ऐसा सस्ता चीज नहीं है। भक्ति का डेफिनेशन का बारे में पिछले हफ्ता भी मैंने बताया था, क्लेशाग्नि, क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा शानदानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी चौसा। भक्ति ऐसा चीज है कि भगवान को खींच के लाता है भक्तों का सामने। भक्ति कोई मामूली चीज नहीं है, भक्ति ऐसा चीज है जो भगवान को भक्तों का पास खींच के लाता है। इसीलिए पिछले सप्ताह मैंने चर्चा किया, नारद जी महाराज युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, हे राजन, भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन भक्ति देता नहीं, अक्सर देता नहीं। ददाति मुक्तिम स्मौनो भक्ति योगम, यहाँ तक मुक्ति तावत देता है, मुक्ति भी दे देता है, लेकिन भक्ति देने के लिए भगवान तैयार नहीं रहता है। ये ऐसा एक सुदुर्लभ चीज है जिसको अमृत माना गया। दशम स्कंद से मैं एक श्लोक उठाया था, वहां भगवान श्री कृष्ण गोपियों को कह रहे हैं, मई भक्ति ही भूतानाम अमृतोत्ताय कल्पते, हमारा चरण में जो भक्ति भक्ति है बद्ध जीवों का, यही अमृत है। भक्ति मतलब भगवान का सर्वांगीन, हर हालत में सर्वांगीन सुखो विधान का प्रयास प्रचेष्टा करना, इसका नाम है भक्ति। भक्ति इज एक्शन, ऐसा क्रियाक्रम करें भक्तों जिसके द्वारा भगवान संतुष्ट हो जाए। उसका चाल बोल, उठना बैठना, खाना सोना, कुछ भी करना, हरिकथा बोलना, कुछ भी करना, भगवत सुखानुसंधान सर्वांगीण रूप से भगवान का सुख विधान करने का जो चेष्टा है, इसका नाम भक्ति। और आधा भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास प्रचेष्टा करें,
और आधा अपना जो इंद्रिय ग्राम तृप्ति करने का विधान करे तो ये भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति का डेफिनेशन रसामृत सिंधु से रूप गोस्वामी पाद का कोटेशन मैंने बताया था, यहां बताया था जे किसी भी हालत से कामना वासना का कोई गंध नहीं रहे, कामना वासना का कोई गंदगी तक ना रहे, इसका नाम है शुद्ध भक्ति। इसका नाम है शुद्ध भक्ति है, भगवान का सुख विधान का सर्वांगीण सुख विधान का प्रयास प्रचेष्टा, इसका नाम है शुद्ध भक्ति। ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, और ये जो है कृष्णो सुख तात्पर्यमयी नौतु सुखमयी। भक्ति आत्मा का स्वाभाविक वृत्ति है, ये बहुत बार पहले चर्चा किया। सवई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रधक्षजे अहेतु की अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसीदति। सो भक्ति आत्मा का नित्य और स्वाभाविक धर्म है। वर्तमान अवस्था में माया के द्वारा प्रभावित होकर वर्तमान अवस्था में माया के द्वारा प्रभावित होकर जिस हालत में बद्ध जीव गिरा हुआ है, अभी ये बद्ध अवस्था, ये एबनॉर्मल अवस्था, ये स्वाभाविक अवस्था नहीं है। जैसे पानी का स्वाभाविक नेचर है तरल, तरल में लिक्विडिटी, लेकिन सब जीरो लेवल में ले जाओ टेम्परेचर तो यही पानी जम के बर्फ बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा। तो ये जो वर्तमान अवस्था दिखाई जा रहा है बर्फ, ये स्वाभाविक नहीं है, ये तात्कालिक स्वभाव है, ये तात्कालिक स्वभाव है, नित्य स्वभाव है लिक्विडिटी तरल भाव, यही लिक्विडिटी। इतर वृत्ति माया का द्वारा ग्रसित अवस्था में, माया के द्वारा प्रभावित अवस्था में जो आचरण स्वभाव दिखाई पड़ता है वृत्ति, ये आत्मा का धर्म नहीं है। जीवों का स्वरूप का धर्म ये नहीं है, ये है आत्मा का विरूप का धर्म। इसीलिए ये परिवर्तनशील वो अनित्व है, अर्थात बद्ध जीवों का जो बंधन अवस्था ये अनित्व है, अपरिवर्तनशील है, अर्थात बद्ध अवस्था अनंत काल के लिए रहेगा, ऐसा कोई बात अनंत काल के लिए तो है। कृष्ण भोली से जीव अनादि बहिर्मुख, ये तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बद्ध जीव बद्ध अवस्था में रह जाएगा, ये मुक्त होने का भी चांस है, क्योंकि बद्ध अवस्था इसका अनित्व है, परिवर्तनशील है। और ये भक्ति जो है, पहले में भक्ति का डेफिनेशन में बताया, ये भक्ति शोक मोह भयापहा, शोक शूद्र का धर्म है, बंधन दशा में शोक उपस्थित होता है, मोह इन्फैचुएशन शोक ग्रीफ बड़ा विकल अवस्था, और अपना न जाने एक अनजाने में
न जाने कैसे एक अनजाने में एक डर सताता है सब कोई को, न जाने कोई अनजाने में किसी एक किस्म का डर हर वक्त जीव को सताता है। चित्रकेतु जैसा इतना बड़ा राजा है, ये राजा का जिंदगी में देखा गया जो कोई संतान नहीं लिखा हुआ है। अंगिरा ऋषि बताए कि आपका कोई तकदीर में संतान नहीं है, लेकिन जोर जबरदस्ती मेरे को संतान चाहिए, यही अज्ञान है, मोह है। और बच्चा पैदा होने के बाद इतना प्यार जम गया कि ऐसा प्यार जम गया कि मानो कि लगता है ये आत्मा बन गया बच्चा। अब जब बच्चा चला गया शपत्नी सब विषदान गर्दान करके बच्चा को मार दिया, तो राजा का हालत देखने का लायक था, पागल बन गया पागल। इतना बड़ा वीर राजा है, लेकिन पागल बन गया, इतना मुंह। फिर नारद जी अंगिरे ऋषि आकर बोले राजन अब रो क्यों रहे, बोले ऐसा हालत है मेरा, मेरा जान चला गया। क्या हुआ? तो बच्चा चला गया मेरा। जब नारद जी अंगिरे ऋषि बच्चा को बुलाया, आत्मा को बुलाया बच्चा के अंदर, बात करवाया, ये जीवात्मा तुम क्यों जा रहे हो, बोले मेरा इधर जो था वो सब पूरा हो गया, अब मेरे को आगे चलना पड़ेगा। आत्मा से वो जो जीवात्मा शरीर से निकल गया था उसको पुनः बुलाया और राजन का साथ बात करवाया। ये राजा का घर है, इतना संपत्ति इतना वैभव क्यों ये छोड़ के जा रहे हो, बोले महाराज मेरा काम इधर पूरा हो गया, मैं जा रहा हूं, अब इधर कोई काम नहीं है मेरा। तब आगे चलकर राजा का हो, राजा होश संभाला, समझ गया ये तमाम जगत मायामय है, जैसे पुरुरोबा राजा का साथ उर्वशी का संबंध, और उर्वशी जाने का बाद पागल हो गया पुरुरोबा राजा, जो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर राजा है वो पागल हो गया, जैसे उसका कोई ताकत नहीं है, जैसे लगता है कि उसका कोई ताकत ही नहीं है, पागलपंथी रोना धोना पागल का मापी। फिर आगे चलकर जब चेतना वापस आए, तो बोलना शुरू कर दिया, अरे महाराज क्या कर दिया मैंने, सब खत्म कर दिया। शौवर ऋषि 60,000 साल का वजन अपना पानी में गंवा दिया अपराध के कारण। बाद में मानदाता का 50 लड़कियों को, राजकन्या को शादी करके संसार बैठाया, और बाद में रोना धोना शुरू कर दिया, मेरा सब गया। इसका नाम है मोह, जैसे गोकर्ण जी महाराज अपना पिता श्री आत्मदेव को समझा रहा था, ये सब चीजों में आप मन को लगाओ मत, हटा लो। नित्य विषय भागवत जी महाप्राण, इसमें आप मन लगाओ। इससे मन हटा लो सारे दुनियादारी का चीज से, और भागवत जी महाप्राण का श्रवण करो।
Sevasya Sadhupurushan Jaikama Tishna. Sevasya Sadhupurushan Sadhu Purusho ka seva karne se apna moho maya dur ho jata hai. Sevasya Sadhupurushan Jaikama Tishna. Dharmam bhajasya satatam tejloko dharma. जो स्वाभाविक दुनिया का धर्म है, देह धर्म है, मन धर्म है, समाज धर्म है, संसार धर्म सब कुछ है, ये सब छोड़ के सब आप क्या करो, धर्मम भजस्व सततम त्वजो लोक धर्मान, लोक धर्मों तात्कालिक धर्मों सब आप छोड़ो, शिवस्व सदपुरुषान को जो ही काम तृष्णा. मोह ऐसा चीज है उतना जल्दी जाने वाला नहीं है. आर शोक मोह भयापहा ये भक्ति के द्वारा ही हो सकता है और दूसरा तरीका से हो नहीं सकता. इसलिए मैंने शुरुआत में बताया था जस्यांग बोई सुयमानयम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रुत्पद्धति पुंसाम शोक मोह भयापह जस्यांग बोई बई मने निश्चितमेव जस्यांग बोई सुयमानयम जस्यांग बोई सुयमानयम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रुत्पद्धति पुंसाम शोक मोह भयापह. जिस विषय श्रोवन करने से आता भागवत कथा जसंग सिंह कृष्णे परम पुरुष में परम पुरुष के चरण में भक्ति रुत्पद्धति उत्पन्न होता है जो शोक को मोह भया अपहा शोक मोह आदि को नाश करने वाला. कृष्णो और कृष्ण भक्तो कृष्ण कृष्णो छोड़कर दूसरा चीजों का चिंता करना यही माया का प्रसाद है. कृष्णो और कृष्णो कृष्णो कृष्ण भक्तो कृष्ण का नाम धाम ये सब छोड़कर दूसरा चिंतन में लगे रहना इसका नाम है द्वितीय अभिनिवेश. कल इस विषय में चर्चा करेंगे कैसे भय उत्पन्न होता है. भक्ति अद्वैत ज्ञान तत्व एक चीज और अद्वैत ज्ञान तत्व भगवान है. हमने बताया था एक ही भगवान लेकिन भगवान का भक्तों परिकर वैशिष्ट सब लेकर डाइवर्सिटी है. मैंने कई बार बताया यूनिटी इन डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी इन यूनिटी अर्थात भक्ति एकाभिनिवेश में ही भगवान निष्ठा में ही कृष्णाभिनिवेश में ही कृष्णो चरण में अभिनिवेश पैदा करने वाला है. दूसरा चीजों में मन जाने वाला नहीं है किसी भी हालत से जाने वाला नहीं है जो भी है. और इस अवस्था में भक्ति का अगर डिफिनेशन सोचो इसमें बताया हमने बताया था कई बार क्लेशाग्नि शुभोदा मोक्ष लोकताकृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेष आत्मा कृष्णाकर्षणी चौसा. भक्ति का ऐसा ही प्रभाव है भगवान को खींच के लाता है. ये उपदेशामृतों से प्रभु गोस्वामीपाद जी का दिखाया गया उपदेशामृतों का जो तीसरा जो श्लोक है इस विषय में चर्चा करते करते उत्साहत निश्चात दैज्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतु वृत्ति हैं सर्वभिर भक्ति प्रसिद्ध. छ
छह किस्म का भक्ति का जो फंडामेंटल विभाग है, इसमें तत्त्वकर्म प्रवर्तनात् का विषय चर्चा चल रहा है। पिछले कई सप्ताहों से तत्त्वकर्म प्रवर्तनात् इसमें चलते चलते हम लोग यहाँ तक आए, जे भक्ति का अनुकूल और भक्ति का प्रतिकूल। भक्ति का अनुकूल को आप प्रतिकूल को दोनों की चिंता करना है, क्योंकि भक्ति का सपोर्ट देने वाले हैं, इसे अन्याय व्यतिरिक रूप से, इसलिए अन्याय व्यतिरिक रूप से कई सप्ताह से इस विषय आधार पर चर्चा हो रहा है। और हमने चर्चा करते हुए मायावादी और नास्तिक साजिया का संग त्याग करना, त्याज्यो ये विचार बताया, बहु शिष्यों नहीं करना, बहु शास्त्रों पाठ करना कर्तव्य नहीं है, क्योंकि शुद्ध भक्ति में जिन लोगों का श्रद्धा का उदय नहीं भाई, ये लोग शिष्य करना उचित नहीं है। अगर करे तो संप्रदाय के लिए बहुत मुश्किल हालत पैदा हो सकता, दूषित हो जाएगा संप्रदाय का सिस्टम। महारंभादि क्रिया का उद्यम, बड़ा बड़ा भंडारा आदि, बहुत सारे बड़े बड़े व्यवस्था करना, ये भक्ति का नाशक है, भक्ति का नाशक है, नहीं करना। क्योंकि बद्ध जीव अगर कोई करने जाए ऐसा, ये कर नहीं पाएगा। महापुरुषों के लिए संभव है कि बद्ध जीवों के लिए बद्ध अवस्था में ये सब सारे इंतजाम व्यवस्था करने के लिए खुद को जाना पड़ेगा, सब व्यवस्था करना पड़ेगा और दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन शुद्ध भक्ति का हालत ऐसा है, कई बार मैंने चर्चा करके दिखाया, जैसे श्रील भक्ति तो माधव गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति पूरी गोस्वामी महाराज के बारे में भी बताया। कालना में अनंत वासुदेव मंदिर में भंडारा करना है, भंडारा का एक भी सामान नहीं है, एक भी सामान कुछ नहीं है। और सुबह में श्रील भारती महाराज अर्थात नरोत्तम ब्रह्मचारी पहले दिन पहुंचा था शाम को, और बोले महाराज क्या रसोई करे, कुछ तो है ही नहीं, महाराज घर में माला जप रहा है और मुस्कुरा कर कह दिया कि सब हो जावे, सब हो जाएगा, ऐसा बोल दिया। तो पानी गर्म करने के लिए बैठा दिया नरोत्तम ब्रह्मचारी। हमारा भारती महाराज जी रसोईया रसोई करने के लिए गए, वो पानी गर्म करने के लिए बैठा दिया, और बाद में 7-8 बजे से एक से एक वस्तु का लाइन लग गया, आना शुरू कर दिया, सारे आ गया। भक्तिमाज बोले हम हैरान हो गया, इतना सामान आ गया, बस एक घंटा का अंदर सारे सामान जो लगे सब आ गया। लेकिन यही अगर भंडारा किसी अगर बद्ध जीव को करना पड़ता तो उसका दिमाग खराब हो जाता, क्योंकि उसको खुद जाना पड़ेगा ना, कौन देगा, ये तो भगवान भेज देता है ना। मैंने बताया था ना पिछले सप्ताह, अनन्य चिंतन तो ये यना माम परजुबासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम बहम्यम। अर्जुन मिश्र ने उसको परिवर्तन करने कर दिया ना, इसका कहानी बताए, कृष्ण बलराम कैसे खुद आके सारे सामान दे के गया। अर्जुन मिश्रो जो गीता का ये श्लोक कट दिया, पेन थ्रू कर दिया, क्षमा मांगा और रो रो के क्षमा मांगा, भगवान क्षमा करे, कृष्ण बलराम खुद आके देखेंगे। अर्जुन मिश्र बोले अरे खुद भगवान क्यों आएगा, किसी से करवा देगा, ये हो सकता है, जोगोक्षेम बहाम्यहम बहामी अहम बहयामी अहम, किसी के द्वारा जोगोक्षेम बहन करवा देते हैं,
लेकिन भगवान ने अपना विचार को प्रमाण करके दिखाया, नहीं अन्य चिंतन तो ये नाम हम पर जुबा सते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम जोगोक्षम भाम्य। ये सब चर्चा करते बहुत ग्रंथों किताब आदि पढ़ना ये बद्धजीव के लिए संभव नहीं है, उपाय नहीं है। भक्ति बहिर्मुख ग्रंथों का आंशिक अभ्यास व पूर्ण अभ्यास व व्याख्या ये उचित नहीं है बिल्कुल। और शुद्ध भक्ति के बारे में हमने बताया था श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरत्न विधि बिना वैकांतिक हरिर भक्ति उत्पाद विवेक। जो भक्ति का नाटक मैं दिखा रहा हूँ जिसका साथ वेद वेदांत श्रुति श्रुति पुराण पंचरत्न का कोई ताल्लुकात नहीं है, ऐसा मापिक भक्ति का जो नाटकबाजी है ये समाज के लिए तमाम समाज के लिए हानिकारक है। और दूसरा संप्रदाय का किताब उठाओ तो मन में संशय संदेह पैदा हो जाएगा और तार्किक बन जाओगे, एक क्यों हुआ एक क्यों हुआ ये ठीक नहीं है, ऐसा हो सकता लेकिन ये नहीं हो सकता, ऐसा तर्क पंथा अवलंबन करके आप भी नरक में पहुंच जाओगे। और हमने बताया था यथा लाभे संतोष हानि लाभे सम्यक ज्ञान, तुल्य निंदा स्तुति मौनि संतुष्ट जेनो केनो चितो अनिकेतो स्थिरमतिर भक्तिमाम में प्रिय न रहा। हानि लाभ सम्मान मिला सम्मान चला गया ये सब जो चीज है ये बद्ध अवस्था में होता है, लेकिन सिद्ध अवस्था में जो कुछ भी ठाकुर जी का कृपा से मिल जाता है जो कुछ भी ठाकुर जी का कृपा से मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है। तुल्य निंदा स्तुति मोनि स्तुति मोनि संतुष्ट जेन केनो चित अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में पिया न रहा। पद्म पुराण में लिखा हुआ है ये भक्तों कभी पद्म पुराण में लिखा हुआ है पद्म पुराण में लिखा हुआ है भक्तों कभी किसी भी हालत से भक्तों कभी किसी भी हालत से घबराता नहीं, भक्तों कभी किसी भी हालत से घबराता नहीं, संभव नहीं। क्यों भक्त कभी कभी किसी हालत से घबराता नहीं, क्यों घबराता नहीं बोले वो जानता है अलब्धे विनष्टे भक्खाच्छादन साधने अविक्लवमतिर भूत्वा हरिमेव धिया सरेत, मिला नहीं मिला फर्क नहीं पड़ता, मिला नहीं मिला कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो ठीक है कोई बात नहीं, मिला तो मिला नहीं मिला तो नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ता। अलब्धे विनष्टे भक्खाच्छादन साधने अविक्लवमतिर भूत्वा हरिमेव ध्यासे, किसी भी आलस्य ये गृहस्थ भक्त हो त्यागी भक्त हो कोई भेदभाव नहीं, अलब्ध विनष्टे भक्खाच्छादन साधने अविक्लवमतिर भूत्वा हरिमेव ध्यासे, अनन्य भक्ति जो है ये लोगों का ऐसा ही है, ये लोगों का ऐसा ही है घबराता नहीं। और नहीं घबराना ये भक्ति का अनुकूल तत्त्व कर्म प्रवर्तनात् का तत्त्व कर्म प्रवर्तनात् का हमने बताया तत्त्व कर्म प्रवर्तनात् ये विषय का ऊपर आधार पर चल रहा है चर्चा, इसमें हमने बताया ये यथा लाभे संतोष और हानि लाभे सम्यक ज्ञान। गृहस्थ व्यक्ति किसी कार्यो व कारोबार करके अपना प्रजा पालन करने के लिए व्यस्त रहता है, प्रजा रक्षण
दूसरे का गुलामी भी करता है पैसा लेने के लिए, ये लोगों का लिए तो करना ही जरूरी है। ग्रास आच्छादन अनुसंधान करना जरूरी गृहस्थ व्यक्ति के लिए। त्यागी व्यक्ति के लिए, त्यागी गृहत्यागी व्यक्ति भिक्षादि द्वारा कार्य तत्कार्य साधन करना त्यागी व्यक्ति के लिए। गृहस्थ व्यक्ति महाप्रभु जी ने बताया गृहस्थ व्यक्ति संचय जरूरी है, वो भी हिसाब का मुताबिक अपना ग्रास आच्छादन कृषि कर्म सब करना। और गृहस्थ व्यक्ति में भी अगर वानप्रस्थी है बहुत ऊपर चला गया, जैसे शिवास पंडित जैसा, ये तो बाहरी विचार में गृहस्थ पंडित गृहस्थ व्यक्ति है, लेकिन इसका सारे जोगोक्षेम भगवान वहन करता है, भक्तिमय ठाकुर सारे। यूजुअली स्वाभाविक रूप से साधारण रूप से गृहस्थ व्यक्ति लोगों का कृषि कार्यों कोई कारोबार किसी का नौकरी चाकरी करना जरूरी है, क्योंकि अपना प्रजापरण पत्नी परिवार परिवार बच्चा सब पालन करने के लिए जरूरी है ये तो। लेकिन गृहत्यागी व्यक्ति त्यागी बन के आया है, ये लोगों का भक्षा आच्छादन के लिए चिंता करना उचित नहीं है। भक्षा आच्छादन नहीं मिलने से गुस्सा हो जाता है, ऐसा उचित नहीं। हर वक्त अलब्धे व विनष्टेव, अलब्धे मिला नहीं, आज दो रोटी मिलना था वो भी मिला नहीं। मैंने उदाहरण दिया जगन्नाथ मिश्र का घर में जो ब्राह्मण वैष्णव आए थे अतिथि बनकर, उन्होंने रात 12 बज गया, दो बार रसोई कर दिया, बच्चा गौरंग महाप्रभु लीला रचाया और ब्राह्मण ने बोला बच्चा ने खराब कर दिया, शायद हमारा तकदीर में कुछ लिखा नहीं है, और डोलते समय तीर्थाटन करने समय कहाँ मेरे को रोज चावल मिलता, चलो कोई बात नहीं फल मूल खा के गुजारा कर लेंगे, जथाला में संतुष्ट, कोई गुस्सा नहीं की। त्यागी व्यक्ति हर वक्त शांति कायम रखे, अपना दिल में बेचैनी ना हो जाए, हर वक्त कृष्ण शरण में लगे रहे। अलप दे, कुछ मिला नहीं दो रोटी आज, और मिला था कुछ खराब हो गया विनष्ट हो गया। बक्को आच्छादन खाने का पढ़ने का चीज, इसमें अविक्लवम अतिर भूत्वा, इसमें कोई रिएक्शन हृदय में ना आ जाए, कोई विक्रिया ना हो जाए। अविक्लवम अतिर भूत्वा हरिमेव धियास्परत, मन की द्वारा हर वक्त भगवान का चिंतन करे, हर वक्त चिंतन करे, कोई घबराहट पैदा हो जाए ठीक नहीं है, तब तो ही भक्त नहीं है। और मैंने बताया था पिछले सप्ताह शोकादि वर्जन एकांत कर्तव्य, जो लोग हरि भजन कर रहा है चाहे गृहस्थ हो त्यागी हो सब कोई के लिए ही ये शोक आदि वर्जन करना, आदि मतलब शोक मोह सब कुछ ये सब त्याग करना जरूरी है, क्योंकि शोक रहने से हरि भजन संभव नहीं है। हमने इस विचार को उठाया था, शिवास पंडित जी का घर में संकीर्तन रासस्थली नवद्वीप धाम में मायापुर में महाप्रभु भक्तगणों के साथ शिवास पंडित का मंदिर में संकीर्तन रास कर रहा है, इतने में शिवास पंडित का बच्चा गुजर गया जगत से, अंदर महल में रोना धोना शुरू कर दिया,
शिवास पंडित जाके धमकाया, सावधान मेरा प्रभु का कीर्तन आनंद संकीर्तन आनंद का कोई रोग पैदा ना हो जाए, अगर हो तो मुझसे बढ़कर बूढ़ा कोई नहीं होगा, इसीलिए सावधान कर दिया। और आके महाप्रभु का साथ पुनः नित्य कीर्तन में हिस्सा लिया। महाप्रभु बार बार कह रहे हैं कि आज क्यों आनंद नहीं हो रहा है, क्या बात है शिवास, कुछ हुआ? नहीं हुआ, कीर्तन करो आनंद से, कीर्तन की। बाद में किसी भक्तों ने महाप्रभु को बताया, प्रभु इनके घर में अपना बच्चा चला गया जगत से। अच्छा, महाप्रभु अंतर्यामी है, सब जानते हुए भी ऐसा लीला रचाया, भक्तों का भक्तों का जो क्या महिमा है इसको प्रमाण करने के लिए ऐसा लीला रचाया। महाप्रभु जी ने बताया, शिवास तेरा बच्चा चला गया, तू कैसे कीर्तन कर रहे मेरा साथ। हाँ, शिवास पंडित दुनिया का तमाम चीजों को अनित्य देखा, दुनिया का तमाम चीजों को अनित्य दिखा, अनित्य आज है कल नहीं रहेगा, कौन किसका बच्चा, कौन किसका बीवी, कोई किसी का नहीं है। तो शिवास पंडित से ये सीखना है, जो गृहस्थ व्यक्ति का स्त्री पुत्र पिता माता भाई बंधु बच्चा अगर चला गया तो बड़ा शोक की माहौल पैदा हो जाता, किंतु जो भक्ति साधन में लगे हुए है, चाहे गृहस्थी हो त्यागी हो, फर्क नहीं पड़ता। ये तो शोक तो होना ही है, लेकिन शोक करना उचित नहीं है, थोड़ी समय में उसको बैलेंस करके तात्विक विचार बनाकर अपने को संभालना चाहिए। और कृष्ण अनुशीलन, कृष्ण भजन में लगे रहना चाहिए। गृहत्यागी का कंथा कमंडुल भिक्षा दब्रो अगर नहीं है, जाड़े का मरसुम में कंबल नहीं है, व्यस्त नहीं होना चाहिए, भगवान है, किस चीज है वो चीज को किसी पशु ने या मानुष ने चुरा के लेके गया, उठा के लेके गया। ये जो शोक क्रोध लोभ तमाम चीजों का ये जो प्रभाव है, वैष्णव साधक का हृदय में हर हालत में इसको संभालना चाहिए, परित्याग करना चाहिए, शोक क्रोध लोभ ये सब सब त्याग करना है। अगर ना कर सके तो निरंतर कृष्ण स्मृति का व्यघात डिस्टर्बेंस हो सकता है, अगर ना कर पाए तो निरंतर कृष्ण स्मृति का अभाव हो सकता है, निरंतर कृष्ण स्मृति टूट सकता है। अविश्रुत कृष्ण पदारविंदयोर छिनोति अभद्राणी च संतनोति शतस्य शुद्धिं परमार्थ भक्तिं ज्ञानं च विज्ञान विराग युक्तम। अविश्रुत कृष्ण पदारविंदयोर छिनोति अभद्राणी च संतनोति शतस्य शुद्धिं परमार्थ भक्तिं ज्ञानं च विज्ञान विराग युक्तम। हर वक्त शोकादि शोक मोह मद मत्सर्य सब ये सब वर्जन आदि शोक आदि ये सब परित्यक्त करना जरूरी है। शोका शोका
शोका मर्षादि वीर, शोका मर्षादि वीर भावैर आक्रांतम जशो मानम जशो मानसम कथम तत्रो मुकुंद शो स्फूर्ति संभावना भवे। जिस हृदय शोक मोह से भरपूर है, जिस हृदय शोक मोह से भरपूर है, शोक मोह से भरपूर है, इसका हृदय में मुकुंद स्फूर्ति संभावना कथम तत्रो, कैसे इनके हृदय में कृष्ण स्मृति का जो विषय है बने रहे, कैसे संभव है? शोक मोह, शोक क्रोध मोह आदि समस्त वैष्णव साधक परित्याग करे, अगर ना कर सके तो कृष्ण स्मृति का व्याघात हो सकता है। शोकामर्षादि वीर भावैराक्रांतम यशो मानसम कथम तत्र मुकुंद शो स्फूर्ति संभावना भवे। जिसका हृदय में शोक मोह से भरपूर है, क्रोध से, इसका हृदय में कृष्ण स्मृति कैसे संभव है? संभव नहीं। कृष्ण स्मृति कैसे संभव है? संभव है ही नहीं। तो अन्य व्यतिरिक्त रूप में है तो चर्चा चल रहा है, तो तत्त कर्म प्रवर्तन, लेकिन अन्य व्यतिरिक्त रूप पे, अन्य व्यतिरेकाभ्याम, अन्य और व्यतिरिक्त रूप से दोनों तरफ से विचार करके दिखाया, तत्त कर्म प्रवर्तन अर्थात भगवान भगवत संक्रांत, भगवान और भगवान से संबंधित क्रियाकर्म में लगे रहना है तत्त कर्म प्रवर्तनात्, लेकिन ये भी अन्य और व्यतिरिक्त रूप दोनों रूप से हो सकता है। अन्य रूप से डायरेक्टली भगवान का क्या क्या भजन करना, कैसे करना, सारे विचार बताया, और व्यतिरिक्त रूप में दिखाया क्या नहीं करना चाहिए, क्या होने से भक्ति नाश हो सकता, अर्थात इन सब चीजों को पालन करने से अन्य और व्यतिरिक्त दोनों तरफ से मेरा भजन का पुष्टि हो सकता है। तत्त कर्म प्रवर्तन, तत्त कर्म प्रवर्तन अन्य व्यतिरिक्त, व्यतिरिक्त रूप से इसका विचार हमने दिखाया। दूसरा एक व्यतिरिक्त विचार आ रहा है, इधर यह है, भगवान श्री कृष्ण छोड़कर दूसरा कोई देव देवी का आराधना करना उचित नहीं है। ये भी व्यतिरिक्त रूप में कृष्ण भजन का पुष्टिदायक है, ये भी व्यतिरिक्त रूप में कृष्ण भजन का सहयोग देता है, अनुकूल्यो विधान करता है व्यतिरिक्त रूप में। इसलिए भगवान श्री कृष्ण छोड़कर दूसरा कोई देव देवी का आराधना करना उचित नहीं है, निषिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण छोड़कर दूसरा कोई देव देवी का आराधना करना उचित नहीं है, उचित नहीं है। अगर करे तो उसका भक्ति नाश हो सकता है, अर्थात भक्ति में तरक्की होना दूर की बात है, भक्ति नाश हो सकता है। सो व्यतिरिक्त रूप में यह विचार आया, कृष्ण छोड़कर दूसरा कोई देव देवी का आराधना करना सख्त माना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, भगवान श्री कृष्ण छोड़कर दूसरा सारे देव देवी का अपमान करो, ये ठीक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण छोड़कर दूसरा देव देवियों का अपमान करो। अपमान करना तो दूर की बात है, गुरुजी कहते थे पद्म पुराण से
ये हरिदेव सदा राध्यो सर्वदेवी सरेश्वर इतरे ब्रह्म रुद्राद्या नावगया कदाचन। हो सके कि भगवान हरि हमारा आराध्य है, सर्वदेवी सरेश्वर ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण भगवान श्री कृष्ण का आराधना करना। हरि रेव, रेव मने एफर्मेटिव, हरि रेव मतलब एकमात्र हरि, एफर्मेटिव हरि में हरिमेव हरि रेव सदाराध्य हर वक्त हमारा भजन का मूल लक्ष्य है हरिचरण। हरि रेव सदाराध्य जो सर्वदेवेश्वरेश्वर जो सर्वदेव का ईश्वर है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, तो हरि रेव सदाराध्य सर्वदेवेश्वरेश्वर। लेकिन इतरे कृष्ण छोड़कर ब्रह्म रुद्र आदि किसी देव देवताओं को देवियों को अपमान नहीं करना चाहिए। इतरे ब्रह्म रुद्राद्या नावक गया कदाचन, कभी भी ब्रह्म रुद्र आदि सब देवताओं को अपमान ना करे। इतरे ब्रह्म रुद्राद्या, रुद्राद्या माने बाकी देवता सब, इंद्र वरुण आदि सब कोई, इतरे ब्रह्म रुद्राद्या नावक गया कदाचन, इसको अवज्ञा करना अपमान करना उचित नहीं है। अभी यह प्रश्न आता है दूसरा देव देवी में, अगर दूसरा देव देवी में आपका आकर्षण है, अगर दूसरा देव देवियों में आपका आकर्षण है या तो किसी देवता में किसी देवी में, इसका अगर पूजन करे कोई, अगर जोर जबरदस्ती करे तो शास्त्रों का खिलाफ ना करे। अगर भगवान का दास है, जैसे हम रोजाना शंकर भगवान को पूजा करता है, पानी चढ़ाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने सोचा कि शंकर भगवान अलग से सुप्रीम लॉर्ड, मैंने इसलिए पूजा किया क्योंकि भागवत जी महापुराण में लिखा हुआ है वैष्णवानम यथा शंभु, वैष्णव राज है, निम्न गानम यथा गंगा देवानम अच्युतो यथा, निम्न गानम यथा गंगा देवानम अच्युतो यथा वैष्णवानम यथा शंभु पुराणानम तीर्थम भागवत, इसी भाव को लेकर मैं पूजा करता वैष्णव राज का, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन कोई अगर दूसरा देव देवियों का पूजा करना शुरू कर दे, महाराज हमको यही अच्छा लगता है, बोले भगवान बोले जे ओपी अन्न देवता भक्त्या जजन्ते श्रद्धान्विता ते योपि मामेव कंतियो जयंती अविधि पूर्वकम। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, कोई अगर दूसरा देव देवी का अर्चन करे, जे ओपी अन्न देवता भक्ता भक्ति के द्वारा जजंते जाजना करे, पूजा करे श्रद्धान्विता श्रद्धा लगाकर एकदम, ये लोग भी सच पूछो तो ये लोग भी मेरा ही अर्चन करता है, ते योपि ममेव कंतियो जजंती अविधि पूर्वक, ये लोग भी हमारा ही पूजा कर रहा है क्योंकि हम छोड़कर दूसरा के तत्व है ही नहीं दुनिया में, दूसरा के तत्व है ही नहीं। जे ओपि अन्न देवता भक्त्या जजंते श्रद्धान्विता, भक्ति के द्वारा दूसरा देव देवी का अगर अर्चन करे दूसरा देव देवी का, तेयोपी ये लोग भी मेरा ही पूजन कर रहे हैं, तेयोपी
मामेवो कंतियो जजंती अविधि पूर्वकम। लेकिन अविधि पूर्वकम ये दिस इज नॉट द रूल्स, ऑथेंटिक नहीं है अविधि पूर्वक। क्यों? ये अविधि पूर्वक है। अगर कोई देव देव का ठीक है करे, लेकिन ये अविधि है, ये विधि नहीं है। दिस इज नॉट द रूल्स, अविधि है। क्यों ये लोग का पूजन करे? तो हम ही तो सब कुछ है, हम ही तो है ना, हर जगह मैं ही बैठा हुआ हूं। अहम ही सर्वज्ञानम भक्त्या च पवुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्तेनाश्चावन्ति ते। समस्त तमाम योगों का मैं भोक्ता हूं, मैं प्रभु हूं तमाम इन्फिनिट ब्रह्मांड का। जो लोग हमको परमेश्वर बोल के तत्व को समझता नहीं है, ये लोग गिर जाता है, ये लोग गिर जाता है। मैं ही सब कुछ हूं। अहम ही सर्वज्ञानम भोक्ता च पुपुरेव च न तु माम अभी जानन्ति तत्तेना नातश्चवन्ति ते। ये गिर जाता है, इसका कुशल मंगल नहीं हो सकता। दूसरा, देव देवियों का अर्चन करने वाले ये समझता नहीं है अनंत ब्रह्मांड का आधार है भगवान, ये लोग समझता नहीं। और अपना काम का पूर्ति करने के लिए और अपना कामना वासना का पूर्ति करने के लिए कामोई स्तोई स्तोई हितो ज्ञानहा प्रपद्यन्ते अन्य देवता त्वम त्वम नियमम अस्थायो प्रकृत्वा नियता सया जो जो जं जं तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्सो तस्याचलम श्रद्धां त्वाम एव विदधामि अहम्। काम के मारे, काम के द्वारा प्रेरित होकर दूसरा देवता का चरण में अगर शरण ले, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, और अपना अपना पूर्व संस्कार का स्वभाव का वशीभूत होकर इसका ज्ञान अपहृत हो जाता है, ज्ञान खो बैठता है, और अपना स्वभाव का वशीभूत होकर तरह तरह का नियम आचार को पालन करते उस देवता का त्वं त्वं है कामई स्तोई स्तोई हितो ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवता, दूसरा देवता का अर्चन करना शुरू कर। इसमें क्या होता है, जो जो व्यक्ति जंग जंग तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम इच्छति, श्रद्धा के द्वारा जो जो देवता को अर्चन करना चाहता है, मैं ही उस देवता के चरण में तस्सो तस्याचलम श्रद्धयाम इसी का उसी देवता के लिए श्रद्धा को अटूट कर देता हूं। तस्सो तस्याचलम श्रद्धयाम त्वम एव विदधामि अहम्, हम ही कर देता है। लेकिन जो लोग सुकृतिशाली हैं, सौभाग्यवान हैं, माया का पार हो गया, माया का बेरा पार कर लिया, ऐसा मापिक कोई सौभाग्यवान व्यक्ति है, ये लोग भगवान छोड़कर किसी का अर्चन करने के लिए तैयारी नहीं है। बहु नाम जन्म नामांते ज्ञानवानम मम प्रपद्यते वसुदेवः सर्वमिति स्वमहत्वा सुदुर्लभः, ये असंभव है। सो दूसरा देव देवियों का अर्चन करना उचित नहीं है। अब यह प्रश्न आता है, कोई अगर शंकर जी का पूजा करे,
जो विचार हमने बताया था वैष्णवानम यथासंभव वैष्णवराज संभव विचार करके अगर अर्चन करो तो बंधन नहीं होगी। लेकिन मायावादी का मापी का बार शंकर का आराधना करो, जय शिव ओंकारा, वही सब कुछ है तो आपका बंधन हो जाएगा हर हालत में। और एक बात पर ध्यान देना, भृगु महाराज का जो साप है, जो शंकर भृगु महाराज का जो साप है, जो शंकर का पूजन करे, ये भिन्न सेतु आचार भ्रष्ट हो जाएगा, मोह में उलझ जाएगा। ये जो बात लिखा हुआ है चौथा स्कंद में भृगु मुनि का साप है, जो व्यक्ति शंकर भगवान का शंकर का आराधना करे वो पखंडी बन जाएगा, पखंडी बन जाएगा, उसका आचार नियम भ्रष्ट हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ है ये भक्ति जगत का विचार नहीं है, ये तो जो लोग शंकर को अलग सा एक ईश्वर मानता है परमेश्वर, लेकिन जो लोग परमेश्वर का आराधना करते हुए शंकर को प्यार करता है वो वैष्णवानम यथासंभव विचार, उसका लिए ये सांप नहीं लगने वाला। दूसरा चीज है, जगत का आदमी तामसिक रूप धारी लीला करने वाले शंकर का आराधना करता है, और वैष्णव लोग शंकर का आराधना करे क्यों, ये वैकुंठ वस्तु है। सदाशिव चंद्रमौली सदाशिव नीलकंठ चंद्रमौली सदाशिव नीलकंठ चंद्रमौली सदाशिव, ये वास्तविक रूप में सदाशिव का आराधना करे। ये जगत का शिव तामसिक शिव का नहीं है, ये वैकुंठ तत्व है सदाशिव विष्णु तत्व, जिसका बारे में बताते हुए अद्वैत गोसाई का आविर्भाव तिथि में बताया था। ये अद्वैत गोसाई का बारे में बताया था, महाविष्णु जगत कर्ता माया जो सृजति अदह तस्यावतार एव अयम अद्वैताचार्य ईश्वर। ये सदाशिव तत्व का आराधना करता है वैष्णव तत्व का, जो भी है परमेश्वर एक वस्तु है। और दूसरा सारे जो है परमेश्वर का गुणावतार विशेष, मानव अपना अधिकार के अनुसार अपना पूर्व संस्कार के अनुसार किसी एक देवता पर आकर्षित हो जाता है, किंतु सात्विक भाव संपन्न मानुष बहु जन्म जन्म से जो भगवत भजन किया है, संस्कार अच्छा है, ये कभी उल्टा नहीं करने वाला, ये कभी नहीं उल्टा करेगा, ये कभी नहीं उल्टा करेगा, नियम है। और जो जो देवता जो 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 देवता जो 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 व्यक्ति जो जो व्यक्ति जो जो व्यक्ति जिस जिस देवता का अर्चन करे, भजन पूजन करे, जो जो व्यक्ति जिस जिस देवता का भजन पूजन करे, वैसा मापी कि उसको फल मिलेगा। देवताओं में सात्विक देवता, राजसिक और तामसिक देवता भी है, यहाँ तक कि अपदेवता दुष्ट देवता भी है, अपदेवता बोलता है इसको, इसका नाम है अपदेवता, ये भी दुष्ट प्रकृति का होता है। जैसे केशियाड़ी में श्यामानंद बाबू उद्धार किया बांसुली देवी,
श्यामानंद प्रभु ने उद्धार किया उसको। ये वासुरी देवी जिंदा खा जाती थी बच्चा रक्तमांस बांसुली। हाँ, दिल्ली में भी एक घटना है, बहुत सारे कहानी हैं ऐसे। तो जानती देवव्रता देवान, देवता पूजन करने वाले देवता को प्राप्त करता है। गणपति देवता का आराधन करे तो गणेश को प्राप्त करोगे, आप उसका साथ रहोगे। यान्ति देवव्रता देवानो, जो देवव्रत देवव्रतो धारण करने वाले हैं, ये देवता को प्राप्त करता है जो देवता का आराधना करे। यान्ति देवव्रता देवानो पितृणो पितृणो यान्ति पितृव्रता, पितृ देव को अर्चन करने वाले पितृणो यान्ति पितृव्रता, पितृव्रता वो लोग पितृलोक में जाता है। भूतानि यान्ति भूतेज्या, भूतानि यान्ति भूतेज्या, भूतोपोषक भूत उपोषक भूत उपासक गण भूतोपासक गण भूतगण को प्राप्त होता है। और जानति भूतेज्या है, भूतानि जानति भूतेज्या, जानति मद जाजीनो ओपी माम, ऐसा मापिक मेरा जजन करने वाले जो है मेरे को ही प्राप्त करता है। जानति देवव्रता देवानो पितृणो जानति पितृव्रता, भूतानि जानति भूतेज्या, जानति मद जाजीनो ओपी माम, मेरा जजन करने वाले मेरे को ही प्राप्त होता है, ऐसा नियम है। तो अन्वय व्यतिरिक रूप, अन्वय व्यतिरिक, अन्वय व्यतिरिक रूप से, अन्वय व्यतिरिक रूप से मैंने ये विचार करके दिखाया कैसे दूसरा देव देवता को अर्चन नहीं करना है, ये सब हमने दिखाया। मैंने खुलासा किया जो दक्ष यज्ञ में भृगु महाराज जी का जो साप है, ये साप हमको स्पर्श नहीं करने वाला। क्यों? मैं सदाशिव का पूजन करता हूं, पानी चढ़ाता हूं, मैं कई जगत का त्रिगुण में अधिष्ठित जो है इसका नहीं है, गुणातीत अवस्था में, जिसका बारे में अद्वैत गोसाई का श्लोक हमने उठाया था। महाविष्णु जगत करता माया जो सृजति अध तस्वतार एव अयम अद्वैत आचार्य ईश्वर। ये सांप अप्राकृत जगत में लागू नहीं होने वाला। ये जो सांप है, ये जो सांप है, ये सांप अप्राकृत जगत में लागू नहीं हो सकता। जैसे एक मिसाल उदाहरण दे दे, नारद जी महाराज जी को दक्ष प्रजापति सांप दिया, यहां तक कि प्रचेतस दक्षो, यहां तक कि ये दक्षो नहीं है, ये तो है ही दक्षो का योग्य ना, ये तो है ही है, ये तो है ही, ये सांप दिया था, लेकिन दक्ष प्रजापति जब प्रचेतस दक्षो बनकर आए, उस समय भी प्रचेतस दक्षो नारद जी महाराज को सांप दिया था अपना बच्चाओं को भड़काने के लिए, हरिभजन में लगा दिया अपना बच्चाओं को भड़काने के लिए, नारद जी महाराज को सांप दे दिया, आप एक जगह नहीं रह सकोगे, आप कदापि एक जगह नहीं रह सकोगे, सांप दे दिया। नारद जी मुस्कुराया और भागवत जी महापुराण का दसवां स्कंद में जाओ, वहां देखोगे कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन का लोभ लेकर द्वारिका पहुंच गए नारद जी महाराज। और इतना ही नहीं, द्वारक में रहना शुरू कर दिया,
जबकि त्वचेतस दक्षो का ये साप है, आप एक जगह तीन दिन का अधिक नहीं रह सकोगे, आपको चंचल दौड़ना पड़ेगा। लेकिन नारद जी महाराज ये साप को आशीर्वाद समझा। क्यों? अगर साधु इधर उधर चले, वास्तविक साधु इधर उधर चले, तो बद्ध जीवों का साथ संग संग बद्ध जीवों को संग दे देगा, बद्ध जीवों का अपना ऊंचा संग दे देगा, उसको उद्धार करेगा साधु संग कर। तो साधु संत महात्मा नारद जी जैसा, नारद जी जैसा इतना बड़ा साध संत महात्मा है, ये जितना चले उतना ही अच्छा है, समाज का मंगल हो सकता। महत विचलनाम निनाम गेहिनाम दीनो सेतन दीनो चेतसाम, ये है ना श्लोक। महत विचलनाम निनाम गेहिनाम दीनो चेतसाम निस्वसायो ना नथा कल्पते कचित। साधु जितना चले तो उतना ही मंगल है, लेकिन कपट साधु चले तो जगत का सर्वनाश है, इसका विचार हमने बताया था, याद है? याद है आपका? मैंने बताया था इस बात को। जो कपट साधु अगर चले, जो आचरण में प्रतिष्ठित नहीं है, वो दुनिया को दुनिया का सत्यनाश कर देगा। उपदेशम करत्येव, उपदेशम करत्येव न परीक्षाम करत्यो अपरीक्ष उपदिष्टम जब जगन्नाशाय तद्भवे। जो उपदेश आम आदमी के लिए मैंने बता दिया, लेकिन अपना जिंदगी में हम पालन नहीं किया, उपदेशम करत्येव न परीक्षाम करत्यो। जो परीक्षा अपना जिंदगी में नहीं करके देखा है, जो सिर्फ लेक्चर दिया मैंने, उपदेश उपदेशम करत्येव उपदेशम करत्येव न परीक्षाम करोति यो अपरीक्ष उपदेष्टम जग जगन्नाशाय तद्भवे। साधु जितना चले, संत महात्मा भरे गौर किशोर बाबा जगन्नाथ बाबा वंशीदास बाबा जितना चले उतना ही अच्छा है, जगत का मंगल करे। और कपट साधु जितना चले उतना ही जगत का सत्यनाश हो जाएगा, जगत उतना ही सत्यनाश का ओर बढ़ते चलेगी। कोई अभी यह प्रश्न आता है, एक प्रश्न आता है, यहां एक प्रश्न आता है, जब महाराज नारद जी महाराज द्वारका धाम पहुंच गए और द्वारका से चलने का कोई नाम ही नहीं लेता है, तीन दिन का ज्यादा रहना सख्त माना है, नारद जी के ऊपर सांप है, लेकिन फिर भी नारद जी वहां निरंतर रहने का इरादा पक्का कर लिया। कैसे? क्यों? भले इधर प्रचेतस दक्षों का जो सांप है यहां लागू नहीं हो सकता, क्योंकि प्रचेतस दक्ष मेटेरियल है और नारद जी मेटेरियल जगत में गया था, वो जा सकता है, ठीक है, और जो सांप आया वो भी मेटेरियल जगत का, लेकिन नारद जी द्वारका धाम में प्रविष्ट हो गया, वहां माया का कोई असर नहीं पड़ता, वहां अप्राकृत जगत है, इसलिए नारद जी का ऊपर वो जो अभिशाप है इसका कोई असर नहीं पड़ा। दूसरा, जहां तक दूसरा देव देवियों का अर्चन निषेध है, उसका विचार हमने बताया, जो कोई देव देवता का अर्चन करना उचित नहीं, सिर्फ सिर्फ भगवान का, भगवान श्री कृष्ण का ही अर्चन करना उचित है। क्यों? भगवान श्री कृष्ण का अर्चन करने से दूसरा देव देवता देव देवियों का अर्चन अपने आप हो जाता है। क्यों? हरि भगवान भुवन ध्रुव, हरि अर्थात भगवान ये भुवन ध्रुव है, संसार रूपी वृक्ष का जड़ है, मूल है, तो भगवान का सेवा करें सब कुछ हो जाता है, इसमें कोई
दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता। लेकिन भागवत जी महापुराण में प्रसंग आता है, नंदो बाबा यशोदा माँ नंदो उपानंदो अधिनंदो सारे जो है इंद्रदेव का पूजा किया, हमने देखा लिखा हुआ है। अब आप कह रहे हो कि किसी देव देवों का पूजा नहीं करना, कृष्णों का ही करना, ध्यान दे इस बात पर। कृष्णो भगवान के लिए ब्रजवासियों का जान है, ऑल देयर लाइफ एंड सोल और प्रॉपर्टी वॉट एवर दे हैव ऑल डेडिकेटेड फॉर कृष्ण, सब कृष्ण सेवा के लिए ही है। लेकिन ये लोग कृष्ण को भगवान नहीं मानते, इतना प्रेम इतना प्यार मोहब्बत है भगवान का साथ कृष्ण के साथ, ये लोग सोचते हैं कि कृष्ण अपना है, ये भगवान कैसे हो सकता है कृष्ण, कृष्ण तो हमारा लड़का है, हमारा भंजा है, भतीजा है, ऐसे ही सोचेगा, कृष्ण को भगवान नहीं मानते। और अगर इंद्र का भी पूजा कर लिया, खैर चलो कर दिया पूजा, ऐसा विचार करो जो इंद्र पूजा का विधान है, इंद्र जाग भागवत जी महापुराण में आता है। अब ये प्रश्न आता है क्यों इंद्र जाग किया, आप बोला भगवान श्री कृष्ण का ही आराधना करना है, किसी का नहीं करना है, तो इंद्र का क्यों पूजा किया, इसमें एक रहस्य है। पहला बात है ये भगवान श्री कृष्ण को अपना लड़का मानता है, भतीजा मानता है, बंधु मानता है, ये कृष्ण को भगवान नहीं मानता। लेकिन अंदर में सब कुछ मालूम है, लेकिन ऊपर में विचार बैठता नहीं। क्या गोपियों का अंदर में अज्ञान है, क्या गोपियों का अंदर में अज्ञान है, क्या गोपियों को ये पता नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण है, ये भगवान है? विश्वनाथ चतुर्वेदी जी ने बताया हाँ भगवान है, इस विचार थोड़ा बहुत उसको है, लेकिन फिर भी बैठता नहीं, ठहरता नहीं। जैसे एक मैया अपना लड़का प्रधानमंत्री ये समझते हुए भी ये मानता नहीं, ये इसको गोदी में लेके चुम्बन करता है, हमारा लड़का है, जानते हुए वो जानते हैं फिर भी बैठता नहीं विचार। ऐसा माफी गोपियों का अंदर में अज्ञान नहीं है, गोपियों का अंदर में अज्ञान कैसे हो सकता है, लेकिन ज्ञान रहते हुए भी भगवान अपना है, भगवान भगवान नहीं है। भगवान को ईश्वर मानना और बोलना दोनों में फर्क है। यशोदा मैया कितना बार प्रमाण मिली, कितना बार प्रमाण मिली ये गोपाल भगवान श्री कृष्ण है, भगवान है, फिर भी यशोदा मां नहीं बनी। एक गाढ़ा प्रीति है, गाढ़ा प्रेम है, ऐसा ही ब्रजभूमि में माधुर्य भाव ऐश्वर्य भाव को दबा के रखता है। ब्रजभूमि में माधुर्य भाव ऐश्वर्य भाव को दबा के रखता है। अगर यूं कहे कि गोपियों का अज्ञान है, मुझे जानता नहीं कृष्ण है, भगवान को भगवान बोल के नहीं जानना यह अज्ञान है। इसीलिए गोपी गीता में गोपियों ने बताया, गोपियों ने बताया जब भी मालूम है ये भगवान श्री कृष्णो भगवान है, परात्पर अखिलेश्वर है। न खोलू गोपिका नंदनो भगवान अखिल देही नाम अंतरात्म दृक है, गोपियों में मालूम है। न खलु गोपिका, खलु निश्चितमेव, निश्चित रूप से आप गोपिका का लड़का नहीं है, बल्कि तमाम जीवों का अंदर में बैठे हुए परमात्मा रूप में विराजमान है। न खलु गोपिका
Nandano Bhavan Akhilo Dehinam Antaratma Drik. Parmatma rupe baitha hua. Lekin Vishwanath Chakravarti ne bataya, jante huye bhi, ye nai ka barabar hai. Ye log janta hai Bhagavan Shri Krishna Bhagavan hai, phir jante huye bhi, ye nahi janne ka barabar hai. Kyun? Koi asar nahi padta. Nanda Baba, Adhinanda, Upananda, tamam gop gopiyon ne jo Indra puja ki, jo Indra puja ki, ye bhi Bhagwan ka liye, dhyan de. Indra puja ki, lekin ye bhi Bhagwan ke liye. Kyun? Indra puja karne se hamara kheti baadi maidan hara bhara rahega. हम लोग का गोपालन कृषि जीविका है. गौ माता को हरा हरा घास मिलते रहेगा और हम लोग का धान चाल गेहूं हैं ये सब बड़ा फसल जबरदस्त बनेगा क्योंकि कृषि जीवी हैं हम लोग तो इनके जो इंद्र पूजा है इसका पीछे रहस्य क्या है कि हम अगर इंद्र पूजा करें हमारा ब्रजभूमि हरा भरा रहेगा. हाँ ना हमारा गोपाल मैदान में जाता है उसमें हरा हरा घास रहे अच्छा खिलेगा और गौ माता को भी घास मिले और खेती बाड़ी अच्छा हो सकता. मतलब घुमा फिरा के भगवान श्री कृष्ण का संतुष्ट विधान के लिए ही इंद्र पूजा है. और जर जगत का जो व्यक्ति दुर्गा पूजा करे काली पूजा करे ये लोग का विचार अलग है. ये लोग का विचार क्या है? धनम देही जन्म देही यशो देही दिशो जोही. ये लोग का विचार संपूर्ण अलग है. ये लोग बोलता है हमको धन दो धन दौलत धनम देही जन्म आदमी दे दो बच्चा कच्चा पोता पोती सब लेके मजा करूं. धनम देही जन्म देही यशो देही तमाम दुनिया भर के मेरा जस गान करते रहे आदमी. धनम देही जन्म देही जशो देही दिशो जो ही हमारा शत्रु को नाश करो. तो देखो कितना फर्क है. जड़ जगत का आदमी दुर्गा पूजा करे गणपति पूजा करे या अपना स्वार्थ के लिए देही 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 दो 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 इनके नंगापन का कभी समाप्त तो नहीं होने वाला. लेकिन ब्रजवासी अगर इंद्र का पूजा करे वो भी उसका मकसद है भगवान श्री कृष्ण को रिझाना संतुष्ट विधान. अर्थात इसका इंद्र पूजा ये कृष्ण पूजा ही हो गया कृष्ण का ही सेवा हो गया. इसीलिए ब्रजवासियों का साथ किसी का तुलना मत करो. तो ये तत्त्व कर्म प्रवर्तन का विचार लेकर हमने दिखाया कि कृष्ण छोड़कर दूसरा देव देवियों का आराधना करना शक्त माना है. जीव अगर शतगुण का उपासना करे जीव अगर कम से कम शतगुण का उपासना करे और शतगुण उपासना करते करते निर्गुण भूमिका में जाए ये ठीक है. क्योंकि सतगुण का उपासना करने से भी बंधन है. हाँ ये तो अच्छा है कि तमगुण रजोगुण का ये उपासना नहीं किया. जबकि जड़ जगत का आदमी तमगुण रजोगुण का उपासना करे और मेरे को ये दो ये दो ये दो ये दो. अब भक्त लोग किसी को शत्रु नहीं समझता है. और जड़ जगत का आदमी धनम देही जन्म देही हैं धनम देही जन्म देही हैं जशो देही दिशो जो ही जस नाम फैल जाए मेरा चारों ओर ये दे दो आशीर्वाद करो. और मेरा जो शत्रु है शत्रु मतलब मेरा जो कामना वासना है ये पूर्ति में ये मेरा कामना वासना ये मेरा कामना वासना का पूर्ति का ओर एक रुकावट है इसको खत्म कर दो.
ये खत्म कर दो, ये मेरा कामना वासना का रास्ते में, ये मेरा कामना वासना का रास्ते में कांटे है, ये मेरा कामना वासना का रास्ते में कांटे है, ये मेरा कामना वासना का रास्ते में कांटे है, इसको खत्म कर दो, उड़ा दो। ये देवी मैया का पास ये प्रार्थना करें, मैं बलि चढ़ाएंगे तुमको, अब इनको ये बिगड़े हुए काम को बना दो, मेरा कामना वासना का पूर्ति के लिए रुकावट है, इसको हटा दो, मर दो, ये शत्रु है। लेकिन साधु संतो वैष्णव ये कभी किसी को शत्रु नहीं समझते हैं। ये संत महात्मा जो है, ज्ञानी व्यक्ति है, ये किसी को शत्रु नहीं समझते हैं। तो फर्क देख लो, इंद्र महाराज का, इंद्र महाराज का नंद महाराज का जो इंद्र पूजा, ये भी कोई जीव हिंसा नहीं है, ये हर हालत में कृष्ण सेवा का परिपाटी है, ये कोई जीव हिंसा नहीं है। क्योंकि इंद्र पूजा के द्वारा हर हालत में भगवान श्री कृष्ण का संतुष्टि विधान करने का प्रयास प्रचेष्टा है, और जग जगत का आदमी दुनिया का, दुनिया का जिस जिस आदमी अपना काम पूर्ति का रुकावट है, उसको उड़ा दो, मार दो, खत्म कर दो। हे मैया, तुमको हम डबल डबल दुआ बलि चढ़ाएंगे, डबल आप मेरा बिगड़े हुए काम को बना दो। ये है, लेकिन एक भक्त तो कभी किसी को दुश्मन नहीं समझता है, ये अपने आप को ही दुश्मन समझता है। मैं खुद अपना दुश्मन हूं, पोपा जी ने बताया, कोई किसी का नुकसान नहीं कर सकता, कोई किसी का नुकसान नहीं, ये तो अपने आप हो जाता है, तो लिखा हुआ है। इसीलिए प्रतिकूल विषय को अनुकूल ग्रहण करना ये भक्ति का अंग है। तो कृष्ण छोड़कर दूसरा देव देवियों का आराधना निषिद्ध है, शक्त माना है, ये व्यतिरिक रूप से तत्त कर्म प्रवर्तन का एक टॉपिक्स है। दूसरा टॉपिक्स है, किसी को उद्वेग नहीं देना चाहिए, किसी को उद्वेग नहीं देना चाहिए, किसी प्राणियों को, किसी प्राणियों को उद्वेग नहीं देना चाहिए। अब ये जो फॉर्मूला है, इसका बारे में खूब चर्चा करना जरूरी है। उद्वेग देने का मतलब बहुत कुछ हो सकता है, जड़ जगत में बहू को सांस, बहू को जड़ जगत का आदमी देखा जाए तो इसमें किसी सांस ने बहू को उद्वेग दे रहा है, मार नहीं रहा है, हाथों के द्वारा कि अस्त्रों के द्वारा नहीं मिल रहा है, मेंटल टॉर्चर चल रहा है, मेंटल टॉर्चर चल रहा है, ये उद्वेग देना। किसी को उद्वेग देना, किसी भूतो ग्राम को उद्वेग देना उचित नहीं है, ये निषिद्ध है। सर्वभूत में भगवान विराजमान है, सर्वभूत में भगवान खुद विराजमान है, इसलिए किसी को उद्वेग देना उचित नहीं है। ये भी भजन रहस्य का विचार के द्वारा मैंने दिखाया बहुत पहले, और भी हम दिखाएंगे, काल चर्चा करेंगे, दिखाएंगे। किसी प्राणियों को उद्वेग देना ये भक्ति का खिलाफ है, किसी भक्ति को। लेकिन एक कुत्ता मंदिर में घुस रहा है, क्या मैं उसको हटाएंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, अरे हट यहां से, करेंगे नहीं, हाँ करेंगे। तो मतलब कुत्ता अपना मंदिर में घुस रहा है,
इसमें मैंने उसको उद्वेग दिया, जैसे कि वो हरि भजन का खिलाफ आज कुछ ना कर सके, ना कर सके ना। एक बंदर, बच्चा बंदर डर के मारे बलदाव जी मंदिर का अंदर में घुस गया, घुस गया। मेरे को पुजारी बताया महाराज मंदिर में घुस गया, अब उसको हटाओ, धीरे धीरे हटाओ, हटा। फिर बाद में वो भोग लगाया, भोग लगाने का बाद जब दरवाजा खुला तो चिल्लाया है, क्यों? एक बच्चा मंदिर का सिंहासन के नीचे छुप के बैठा था, वो भोग का थाली मिला और बलदाव जी के सामने बैठ के बड़ा जमा रहा है, अच्छा सब कुछ। अब पुजारी चिल्ला के मेरा पास आए, महाराज ये सत्यानाश हो गया, क्या हुआ? बोले बच्चा खा रहा है। फिर बर्तन धोया, फिर नया लगाया, वो बहुत हंगामा बहुत। लेकिन बंदरों को हटाना पूजा का मंदिर से, ये भी तो उद्विग्न है, लेकिन देना जरूरी है, क्यों? ये हरिभजन का अनुकूल है, तो अनुकूल प्रतिकूल का जो विचार है ये बनाना जरूरी है। जैसे पोपात कह रहे हैं, जैसे पोपात कह रहे हैं, हरिभजन के लिए, हरिभजन के लिए हम अगर आपको कड़वा बताए, कठोर बताए, उद्वेग दे, गाली गलौज करे, तो ये हरिभजन के लिए अगर करे तो ठीक है। पोपा जी ने अंतिम वाणी में ये भी बताया, हमने आप लोगों को बहुत उद्वेग दिया, उद्वेग दिया, बड़ा कठोर बताया, आप लोगों को निष्कपट रूप से हरिभजन में लगाने के लिए मैं कठोर बताया, उद्वेग दिया, कभी न कभी आप लोग समझ जाओगे कि मेरा मकसद कितना पवित्र था। मैं हरिभजन करवाने के लिए आप लोगों को उद्वेग दिया, ऐसे उद्वेग नहीं थे। तो पापा जी ने बताए, काय मनोवाक्य कार्य उद्वेग न दिवे, चैतन्य चैतन्यमितो का जी कहना है, काय मनोवाक्य कार्य उद्वेग न दिवे, चैतन्य चैतन्यमितो का जो कहना है, हैं? इसको पालन करने का बहाना दिखाया, नाटक दिखाया। और पोपा जी ने बताया, काय मनोवाक्य कार्य उद्वेग न दिवे, ये चैतन्य चैतन्यमितो का ये वचन का नाजायज फायदा, नाजायज सहारा लेकर आप सत्य प्रवचन बंद नहीं करना, परम सत्व का, परम सत्व वस्तु का बारे में बताना बंद नहीं करना, क्यों? ये अपराध नहीं है, ये अपराध नहीं है, ये जरूरी है। काय मनोवाक्य कार्य उद्वेग न दिवे, इस चैतन्य चैतन्यमितो का जो ये श्लोक है, उपदेश है, ये उपदेश का नाजायज फायदा लेते हुए अगर हम सत्य बोलना, एब्सोल्यूट अप्राकृत सत्य वस्तु का चर्चा करना बंद कर दे, जगत का अमंगल होगा ही होगा। तो मतलब मेरा यह उद्वेग देना आप लोगों को हरि भजन में लगाने के लिए उद्वेग देना, ये भी मेरे लिए अपराध नहीं है। गुरु शिष्यों को धमकी देता है, गाली गलवाज देता है, मारता पीटता भी है, लेकिन संशोधन करने के लिए बोलता है, तुमने ये किया, तुमने ये किया, कैसे किया, क्यों किया। ये गुरु सदगुरु शिष्यों का दोष को दिखाने के लिए, उसको संशोधन करने के लिए अगर कुछ दोष जैसा दिखाए शिष्य को, इसका मतलब ये नहीं कि गुरुजी दोष दर्शन कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि गुरुजी दोष दर्शन किया, दोष देखना माना है, हैं? ये नहीं है। गुरु शिष्यों का दोष, गुरु शिष्यों का एक एक करके दोष को दर्शन करा के, ये देख
तैने ये किया, ऐसे तैने ये किया। गुरुदेव शिष्यों का हजारों दोष को दिखाते हुए भी समालोचक नहीं बनता, क्यों? क्योंकि इनके अंदर में तो प्यार है, प्रेम है, निरपेक्ष भाव है, इसको बचाने के लिए स्नेह है, बचाने के लिए ऐसा बोला, ये हिंसा करके नहीं बोला। इसलिए किसी को उद्वेग नहीं देना, ये जो बात है ये कहां तक इसका विचार करें, क्योंकि अगर उल्टा बुझली राम, प्रभुपाद कहते हैं अगर उल्टा बुझली राम, उल्टा समझ गया राम, राम तैने उल्टा समझा, तो उल्टा हो जाएगा, ये उचित नहीं। सर्वभूत में अनुकंपा, सर्वभूत में करुणा प्रदर्शन का मतलब है ये लोग का जरबद्ध भाव, विपरीत भाव को सम्मान जना करके भक्ति में प्रतिष्ठित कर देना, ये जीव दया का, ये जीव दया का सर्वश्रेष्ठ, ये जीव दया का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ये जो हमने बताया, ये जीव दया का सर्वश्रेष्ठ आइडियलिज्म है। जीवों का विपरीत भाव को हटाकर इसका अंदर में कृष्ण भजन का भाव पैदा कर देना, इसका ही नाम है करुणा, जीव दया का टॉपमोस्ट आइडियलिज्म। सर्वभूत में दया प्रदर्शन क्या करोगे? कुछ पैसा दे दोगे, कुछ खाना पीना दे दोगे, कपड़ा मकान दे दोगे, लेकिन ये तो दया नहीं है, लेकिन ये तो असली दया नहीं है ना। ये जो दया है ये जीवात्मा का जो शरीर है अब मन का साथ जोड़ा हुआ है। जीवात्मा तो अंदर में है, शरीर का अंदर, आप ये जो छिलका है शरीर का, रक्त मांस का जो थैला है, इसी का मंगल का लिए व्यस्त हो, थोड़ा पैसा दे दिया, मकान बना दिया, खाना पीना दे दिया, ऐसा मंगल। लेकिन पोपा जी ने बताई जीवात्मा का मंगल करने का माने ये है, जीवात्मा का वास्तविक मंगल करने का यही इनर मीनिंग है, जो इन लोगों को, इन लोगों का जो विपरीत भाव एलिमिनेट करके, दूरीकरण करके इसको हरि भक्त में लगा दो, ये है जीव दया का टॉपमोस्ट आदर्श है। क्यों? बाकी शरीर और मन का साथ, शरीर और मन का साथ जोड़ा हुआ जितना सारे परोपकार है ये वास्तविक परोपकार नहीं है, जीव दया नहीं है। किसने संसार करो छारियो नचार, जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्मसार, हमने बताया जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्मसार। जीव हिंसा का बारे में बहुत दिन पहले मैंने चर्चा किया था, बहुत दिन पहले मैं जीव हिंसा का बारे में चर्चा किया, बहुत बताया। जगत का आदमी सोचता है कि किसी को मारना पीटना टेंशन देना यही है अत्याचार, जीव हिंसा। लेकिन जीव कोई शरीर नहीं है, ये बात भूलना उचित नहीं है कि जीव कोई शरीर नहीं है, जीव तो आत्मा है, आत्मा नाशवान नहीं है, आत्मा नाशवान नहीं है। तो शरीर को फिजिकल असाल्ट करना, को कुछ करना अत्याचार, ये इन ट्रू सेंस इसको जीवहिंसा नहीं माना जाएगा। जब भी ये भी जीवहिंसा का मान्यता प्राप्त किया है समाज में, ये भी माना जाएगा, किसी को गला काट दिया, छीन लिया कुछ, रेप किया, कुछ भी किया, ये भी जीवहिंसा है। लेकिन असली जीवहिंसा का जो इनर मीनिंग है ये है जीवात्मा को कृष्ण भजन छोड़कर दूसरा कामों में लगा देना, जानते हुए भी इसको एग्जैक्ट रास्ता नहीं दिखाना कृष्ण भजन का, ये जीव हिंसा है। क्यों?
परमानेंट सोल्यूशन कृष्ण भजन के द्वारा ही हो सकता है। बाकी पैसा देने से, मकान बाड़ी बनाने से कोई जीवात्मा का मंगल नहीं हो सकता। जीवात्मा का मंगल है कृष्ण भजन में लगने से। एक गुरु वैष्णव जो है शुद्ध गुरु वैष्णव इसीलिए हर जीवों को हरि भजन में लगाने के लिए अपना जीवन जिंदगी सब दे देता है, फिर भी ये लोग कपट करता है गुरु वैष्णव के साथ। सोचता कि गुरु वैष्णव हमारा माफी किया, दोष दर्शन करता है। जब गुरु वैष्णव का साथ कपट भाव प्रकाश की तो हो गया उसका सत्यनाश, उसका हो गया छुट्टी हो गया। जो भी है आज यहां तक विचार का विश्राम रखे, काल इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और क्षमा करें। हर रोज कंप्यूटर का समस्या है, नेट का क्या करूं, उपाय भी नहीं है, हरिकथा बंद नहीं कर सकता। यहां तक चर्चा का विश्राम दे, आज यहां तक चर्चा का विश्राम दे, क्षमा करे। यस्यांग वही श्रूयमानायम कृष्णे हे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोको मोहो भयापहा वांछा कल्पतरु के बासिंद पतितानं पावन वैष्णवभ्यो नमो नमः।